विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी तेज होता जा रहा है। सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वोट के लिए आग्रह कर रहे हैं। धर्मपुरी विधानसभा से पंचीलाल मेड़ा भी गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने जनता को मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई। धर्मपुरी विधानसभा में आज भी बिजली पानी की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। कई विकास कार्यों का झूठा प्रचार करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूं और जनता का मुझे पूरा अपार समर्थन मिल रहा है। इस आधार पर मेरी जीत निश्चित लग रही है। हालांकि यह तो जनता तय करेगी कि सच्चाई क्या है और किस उम्मीदवार को चुनना है और किसको नहीं। आइए हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मणिलाल जी, वापस से पार्टी ने आपको टिकट दिया है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या जीत सुनिश्चित है आपकी? मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी क्षेत्र में कमी है और बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही है, गाँव में काम नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, ये सारी समस्याओं को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ। जनता पार्टी तो विकास के पूरे नारे दे रही है, हमने बहुत विकास किया है। तो उन्होंने विकास सिर्फ कागजों पे करा है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। जो काम हुए सब कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। ये सिर्फ कांग्रेस की सरकार में जो काम हुए उनको कागजों पे बना करके, दोबारा बना करके सिर्फ बताने का काम कर रहे हैं। प्रचार प्रसार इनका माध्यम रहा है। जो विकास गाँव में विकास के लिए जो पैसे आए उन्होंने सारा एड में और सिर्फ प्रचार प्रसार में पैसा लगाया है। अभी जनता के बीच में जा रहे हैं आप, किस प्रकार का आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है और जीत को लेकर? जनता के बीच में जा रहा हूं तो जनता मुझे ले जा रही है कि आप हमारे गांव में आओ और जो गांव में समस्या है वो हमारी समस्याओं को दूर कराना आपका काम रहेगा। जो पहले के नेता थे उन्होंने सिर्फ चोचले दिखाए और झूठ बोलकर हमारे से पिछली बार मत ले लिए है, अब हम आपको मत देंगे। इस प्रकार से गांव वालों का, मेरे मतदाताओं का आह्वान। अपनी जीत से सुनिश्चित मान रहे हैं? जी बिल्कुल, 100% जीत, क्योंकि मुझे जीतने हारने से यहां मकसद नहीं, मेरा मकसद है धर्मपुरी विधानसभा की जनता के लिए विकास के काम करना और उनके विचारों पर खरा उतरना, ये मेरा उद्देश्य है। पंचीलाल मेड़ा।